Hey guys, once again welcome back to the channel. This is Aman here and you are watching Career Phobia. तो दोस्तों, जैसे कि पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग चल रही है, आप सभी को पता है पॉलिटेक्निक की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ओवर हो गई थी, जिसका आज रिजल्ट आना था और रिजल्ट आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से लिंक पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको क्या क्या कहाँ पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा कॉलेज है या नहीं है। अगर आपके मार्क्स के भी आप पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या इंप्रूवमेंट आपका हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को लोअर ब्रांच में अलॉटमेंट आई हो, तो उस लोअर ब्रांच को कैसे इंप्रूव करके एक अच्छी ब्रांच तक पहुंचा जाए, वो भी सारा प्रोसीजर हम बताएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे होंगे, यहाँ पर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम के साथ बात कर सकते हो, आप मेरे से भी बात कर सकते हो। आप डिस्कस करो कि आपको कौन सा कॉलेज कैसे मिला है और आगे प्रोसीजर क्या होगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर बाद में भी आप सबमिट करते हो देन दैट विल बी ओके। लाइक अगर आपको आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपका गैप का एफिडेविट नहीं है या कुछ और एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो कि नहीं है, तो उनको आप एक एप्लीकेशन लिख करके वहां पे कॉलेज में इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं विद इन 15 डेज या विद इन 10 डेज आपको इस तरह से प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें आपका कोई कैंसिलेशन होना या सीट निरस्त होने की जैसी संभावनाएं नहीं बनेगी या कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी जिसमें आपका एडमिशन कैंसिल हो, तो परेशान भी नहीं होना। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों को कॉल्स है, क्वेरी है, जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे, इस वजह से मैंने कॉलेज को फ्रीज ही नहीं किया, मैंने फ्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ में अगर जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आई है वो लोग डेफिनेटली नंबर पर कॉल करें और जानकारी लें कि एक्सपर्ट काउंसलर के साथ डिस्कस करें कि सर मेरे नंबर इतने हैं तो मुझे कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस हैं, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो क्या क्या चॉइस मिलेंगे या क्या क्या हमें आगे स्टेप लेने चाहिए, किस तरह से हमें काउंसलिंग करानी चाहिए। पूरा ए टू जेड आपको गाइडेंस मिलेगा और 100% आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा है कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज तक शिफ्ट हो जाएं और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपकी सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।